तो सरकार बदल गई है और लोगों के जहन में ये था कि सर इस सरकार के आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दबंगों के हौसले में कोई कमी नहीं आई। ताज़ा मामला मुजफ्फरनगर का है, जहां एक नाबालिग युवती से गैंगरेप कर दबंग पीड़िता को सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। नाबालिग से गैंगरेप, तीन युवकों ने की दरिंदगी, पीड़िता को सड़क किनारे फेंक कर फरार। यूपी में महिला सुरक्षा पर सवाल। यूपी में शोधों की दरिंदगी की शिकार बनी नाबालिग मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाना क्षेत्र की रहने वाली है, जहां पीड़ित अपनी ताई के साथ पशुओं को चारा काटने के लिए आई थी। आरोप है कि इसी दौरान बाइक सवार तीन दरिंदों ने नाबालिग को नशीला पदार्थ सुंघाकर अपहरण कर लिया और सुनसान जगह पर ले जाकर नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़ित की हालत बिगड़ने पर दबंग नाबालिग को कंधाल हाईवे पर बदहवास हालत में फेंक कर फरार हो गए। मैं और मेरी ताई घास लेने जा रहे थे और मेरी ताई तो अंदर थी और मैं बाहर थी, चक रोड पर घास काट रही थी। अब तीन लड़के आए मोटरसाइकिल पे, एक दो को तो मैंने पहचाने नहीं, आपको पहचान लिया जी। इस लड़की के साथ में रक्कत होगी नू आए थे, इसके साथ में इस लड़की को उठा के ले गया एक लड़का, तो इसलिए आड़ा पड़ा यहाँ से। लड़की के साथ लड़की को बता बलात्कार हुआ। जी फिलहाल तो लड़की ने बता रही, एक था दो के नकाब थे, दो के चेहरे नकाम थे। पुलिस से मांगेगी इंसाफ चाहिए। दरिंदगी की शिकार नाबालिग बदहवास हालत में किसी तरह से अपने मामू के घर पहुंची और परिजनों को अपने साथ हुई हैवानियत की दास्तां सुनाई। हालांकि पीड़ित ने तीन दरिंदों में से एक को पहचान लिया है, नाबालिग आंखों में आंसू लिए इंसाफ की गुहार लगाने थाने पहुंची। एक लड़की नाजिया नाम की लड़की मेरे पास आई, उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे गाँव का ही जाहिद नाम का कोई लड़का था, उसने मुझे रुमाल में कुछ सुंघा कर मेरे साथ कुछ गलत काम करने का प्रयास किया। उस संदर्भ में मैं जांच करा रहा हूँ, मुकदमा दर्ज करा के उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया, मुकदमा दर्ज करा के उस पर कार्रवाई होगी। सूबे में महिला सुरक्षा को लेकर सरकार के तमाम दावों के बीच हैवानियत की इन वारदातों से महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की मंशा पर सवालिया निशान उठते हैं कि आखिर यूपी में कहाँ सुरक्षित हैं महिलाएं। मुजफ्फरनगर से नेशनल वॉइस के लिए दीपक शर्मा की रिपोर्ट।